अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो, 21 फरवरी 2020 को हिंदी सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दिए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने ऑब्जेक्टिव का आंसर जान सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया है। आपका कोई भी सेट हो, हम इस प्रकार से बताएंगे कि आप अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि सीता रुआसी क्यों हो गई, तो आप अपने क्वेश्चन में खोजिए कि आपके क्वेश्चन में कितने नंबर में है। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा, ए आंसर होगा, बेटों के दुत्कार से। तो आप अपने क्वेश्चन में खोजिए और मारिए बेटों के दुत्कार से। अगला ऑब्जेक्टिव है कड़ा की शुद्ध वाक्य है। तो देखिए शुद्ध वाक्य आपको ये प्रकृति है, ऑप्शन जो ए में है। अब अगला ऑब्जेक्टिव है कड़ा की परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए परिश्रम में जो है आपको परी उपसर्ग है, जो कि आपको ऑप्शन ए में है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए आंसर हो गया, परी। अब हम बात कर लेते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की। तो कड़ा की हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, पैसा न होना, यानी हाथ खाली होना। तो आठ का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कड़ा की अवकाश शब्द में उपकर उपसर्ग है। तो देखिए अवकाश शब्द में अब उपसर्ग है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो नौ का सही ऑप्शन आपको हो गया अभी आंसर हो गया अब। हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कड़ा की हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जो है वह जापान में है। तो ऑप्शन सी इनका सही ऑप्शन होगा। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात हम कर लेते हैं। कड़ा की बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो देखिए माँ के मार के कारण जो था बहादुर अपने घर से भागा था, ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 का है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं, ऑप्शन डी जो सही है। अगला ऑब्जेक्टिव कह कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं। तो कह कि विल नब क्या है। तो देखिए एक छोटा सा गांव है, जब आवेन्यू आप पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, एक छोटा सा गांव। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। कह रहे कि हमारी नींद कविता कहां से ली गई है। तो देखिए ये ली गई है दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा, दुष्चक्र में सृष्टा। अगला ऑब्जेक्टिव है कड़े कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं। कड़े कि बीस के दांत कहानी के रचयिता कौन हैं। तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा बी आंसर होगा, नलिन बिलोचन शर्मा, ये बीस के दांत कहानी के रचनाकार हैं। तो 17 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नंबर 18 कह रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर होगा, भारत में। तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया सी। सही ऑप्शन सी हो गया, ग्रामीण भारत में। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की को देखते हैं। कह रहा है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए पराजय में पड़ा उपसर्ग है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा, पड़ा। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कड़ा कि यह किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह कालिदास ने कहा था। इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, कालिदास। अगला ऑब्जेक्टिव कड़ा कि अमृत का पर्यायवाची है। तो देखिए अमृत का पर्यायवाची आपको सुधा होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कड़ा है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था, ऑप्शन जो कि एम है, ऑप्शन ए हो गया। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं। कड़े कि सात कोड़ी होता है कथाकार है। तो ये उड़िया भाषा के, ऑप्शन सी होगा, उड़िया के। अगला ऑब्जेक्टिव कड़े कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी होगा, तैयार होना, कमर कसना तैयार होना, ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं।
दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? ये 1915 ईस्वी में लौटे थे, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, मैक्स मूलर ने। अब अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहे कि मगमा को किससे विवाद था, तो मगमा को जो था अपने बहू से विवाद था, ऑप्शन बी में है सही। तो मगमा का किससे विवाद था, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा बहू से। अब अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहे कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इनका सही ऑप्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 29 की, कह रहा है कि किस नदी के किनारे अब ऑब्जेक्टिव नंबर 29 कह रहा है कि तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 29 कह रहा है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन सही है और आंसर हो गया आपका देवी। ऑब्जेक्टिव नंबर 30 कह रहा है कि पापती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा तेज बुखार के कारण, ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा करमचंद गांधी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहे कि राजगृह में कौन सा समास है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा तत्पुरुष, राजगृह में तत्पुरुष समास है। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो ये मैं आपको क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, जो ऑप्शन सी में है। 33 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहे कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी, निर्गुण भक्ति धारा के। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा ब्रजभूमि। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति जो है आपको महात्मा गांधी की रचना है, जो ऑप्शन बी में है, तो इसलिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला ऑब्जेक्टिव है कि भारत से हम क्या सीखे, तो देखिए यह भाषण है, जो ऑप्शन सी में है, तो भारत से हम क्या सीखे, यह आपको भाषण है। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव नंबर 38 कह रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो ऑप्शन बी में है, तो स्वामी विवेकानंद होगा। अब अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है ऑब्जेक्टिव नंबर 39 कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दधीची की हड्डी से जो था धनुष बनाया गया था राक्षस का संहार करने के लिए, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा धनुष, इंद्र ने संहार किया, तो इसका देखिए 39 का सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, जो कि ऑप्शन ए है, इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहे कि मछली लेकर कौन भाग गया, तो मछली लेकर के जो था वो संतु भाग गया था, जो कि आपको ऑप्शन बी में है, तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपको देवनागरी लिपि है, जो कि ऑप्शन बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहे कि पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो इसका नाम शंभू महाराज था, जो कि ऑप्शन आपको ए में है, तो 43 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया शंभू महाराज। ऑब्जेक्टिव नंबर 44 कह रहे हैं कि जारशाही कहाँ थी, तो वह रूस में थी, तो 44 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा रूस में। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहे हैं कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश जो है आपको सरहपात की रचना है, तो जो कि आपको ऑप्शन ए में है, इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए, आंसर हो गया सरहपात। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं, कह रहा है कि शुद्ध वाक्य है, तो देखिए शुद्ध वाक्य क्या है, तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि राम ने पुस्तक खरीदा, ये गलत है, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं, कह रहा है कि नागरी लिपि के लेखक हैं, तो नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो आपको गुणाकर मूले हैं, जो कि ऑप्शन सी में है, यह एक निबंध है, तो इसलिए 47 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी, गुणाकर मूले। बहादुर का पूरा नाम
है। तो देखिए बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ऑप्शन बी में है जो बिल्कुल सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहे कि परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण जो है वो आपको थोड़ा सा है, ऑप्शन सी। तो परिमाणवाचक विशेषण इनका सही ऑप्शन आपको हो गया, सही आंसर हो गया थोड़ा सा। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं, कह रहे कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर है, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहता है उसके लिए परंपरा का ज्ञान होना जो है कि काफ़ी ज़रूरी है। अब अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं, कौन है कि मेरे बिन आ तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा धर्मवीर भारती। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कौन है कि कुंवर नारायण कवि हैं, तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको बी आंसर होगा नगर संवेदना के। अब अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं, कह रहे कि सेनापति में कौन सा समास है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा तत्पुरुष। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं, कह रहे कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा है, तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा आपको होगा बी आंसर होगा मित्रता। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहे कि जनतंत्र का जन शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहे कि आबनियो किस नदी पर स्थित है, तो आबनियो रोन नदी पर स्थित है, तो इनका सही ऑप्शन आपको हो गया ए आंसर हो गया रोन नदी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, कह रहे कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा ई, इसमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार का जीवन का वर्णन है, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए आंसर हो गया निम्न वर्ग का। अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है वह नर्तक के रूप में है, जो कि ऑप्शन ए में है। अब अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सर्दी है, सर्दी भाववाचक संज्ञा है, ठंड भी भाववाचक संज्ञा हो गया। ऑब्जेक्टिव नंबर 60 कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी की क्या तात्पर्य है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर होगा हृदय की शिक्षा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने सभी ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम 5 ग्रुप 6 ग्रुप में बस शेयर कीजिए। आप लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी आंसर की चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।